गौर फरमाइएगा जरा। हर हार के बाद मिलने वाली जीत हूं मैं, हर हार के बाद मिलने वाली जीत हूं मैं, धीमी धीमी बजने वाली संगीत हूं मैं, मुझे मुझसे उलझने वालों बस इतना समझ लो अमित हूं मैं। दो लाइन लिखिए जरा, देखिएगा आप लोग। तुम तो बड़ी दिल फेंक निकली यार, तुम तो बड़ी दिल फेंक निकली यार, हर कदम पे सबको अपना दिल बांट रही हो, तुम तो बड़ी दिल फेंक निकली यार, हर कदम पे अपना दिल बांट रही हो, हर किसी से बात करती हो और कहती हो कि तुम मेरे जिंदगी में पहले हो, यार तुम तो अपने रकीबों का बड़े अच्छे से काट रही हो। ये देखिएगा, मैंने इसका पहला लाइन कहीं सुना था, उसके बाद मेरी खुद की लाइनें हैं, तो जरा गौर फरमाइएगा आप सब। आप समंदर की बात करते हैं जनाब, हम तो उनकी आंखों में डूब जाते हैं। आप समंदर की बात करते हैं जनाब, हम तो उनकी आंखों में डूब जाते थे, पर अब खुश हूं मैं उनसे बिछड़कर, क्योंकि वो शख्स बार बार मेरी औकात बताते थे। अब खुश हूं मैं उनसे बिछड़कर, वो क्योंकि वो शख्स मुझे बार बार मेरी औकात बताते थे। नाम लेकर मेरा घर पर, नाम लेकर मेरा घर पर रोज रकीब से मिलने जाते थे, और कभी जो देख लूं उनको मैं भरे बाजार में उसके संग, वो अपने मासी का लड़का कर हमें मिलवाते थे। ये मैंने अपने माँ बाप दोनों के लिए लिखा हुआ है, तो जरा देखिएगा। भरपेट खिलाकर मुझे मैंने मेरी माँ को भूखे सोते देखा है, भरपेट खिलाकर मुझे मैंने मेरी माँ को भूखे सोते देखा है, और जो कभी कमजोर ना पड़ा और ना पढ़ने दिया मुझे, और जो कभी कमजोर ना पड़ा और ना पढ़ने दिया मुझे, बाप को मैंने कल मेरे लिए रोते देखा है। और दो लाइन देखिएगा, और मैं जिंदगी का एक मुसाफिर हूँ, थक गए हैं पाँव मेरे मुझे जरा पना चाहिए, मैं जिंदगी का एक मुसाफिर हूँ, थक गए हैं मेरे पाँव मेरे मुझे जरा पना चाहिए, क्या ये क्या चलते चलते इतनी दूर आ गया मैं, इस अनजान शहर में मुझे मेरी माँ चाहिए। लगी है आग इश्क की दिल में, तुम बोलो तो इसे बुझाऊ क्या, वो तो पहले भी थी बेवफा, बोलो तो उसकी बेवफाई की सबूत दिखाऊं क्या, वो लौट कर आना चाहती है मेरे पास, उसे अपना लू, वो लौट कर आना चाहती है मेरे पास, उसे अपना लू, या फिर उसे थोड़ा और तड़पाऊं क्या। ये कुछ लाइनें हैं जो मैं हर शायर भाइयों के लिए लिख लाया हूं। बोलने की तहजीब बदल सी गई है उसकी, बोलने की तहजीब बदल सी गई है उसकी, अब अंदाज उसका कुछ शायराना लगता है, बोलने की तहजीब बदल सी गई है उसकी, अब अंदाज उसका खुश सहराना लगता है, देखने में तो सीधा साधा शरीफ है, पर ताऊ छोरा तेरा भी दीवाना लगता है। ये देखिएगा कि होती है ना, हर किसी के क्लास में कोई ना कोई होती है जो उसको लाइक या प्यार जो भी आप समझ लो, तो उसके लिए कुछ लिख के लाया हूँ मैं। यकीन मानो वो एक ही थी ऐसी लड़की जिसे ना होने पर पूरी क्लास खाली सी लगती थी, यकीन मानो वो एक ही थी ऐसी लड़की जिसके ना होने से पूरी क्लास खाली सी लगती थी, जब आती और देखती मुझे मुस्कुरा कर, यकीन मानो यार वो मुझे मेरी घरवाली सी लगती थी। दो लाइन देखिएगा। मैं कुछ बताना चाहता हूँ सबको पर ये क्या यहाँ तो सभी खफा है, मैं कुछ बताना चाहता हूँ सबको पर ये क्या यहाँ तो सभी खफा है, मुझसे पहले तू बताएगा मेरे दोस्त, हाँ छोड़ यार वो लड़की, मुझे मालूम है वो बेवफा है। ये दो चार लाइनें में देखिएगा, इसको मैंने नाम दिया कुछ सवाल, तो जरा गौर फरमाइएगा आप सब। मेरे कुछ सवाल है जवाब दे पाओगी क्या, मेरे कुछ सवाल है जवाब दे पाओगी क्या, अच्छा मुझे प्यार करती हो तो ये बताओ मेरी नफरतों को सह पाओगी क्या, यूं तो रोज रोज बात नहीं कर पाता मैं पर मेरे दूर रहने के बाद भी तुम अकेले रह पाओगी क्या, मेरे कुछ सवाल है जवाब तुम दे पाओगी क्या, हाँ हम रिलेशनशिप में है मगर कोई पूछे तो खुद को सिंगल कह पाओगी क्या, काफी दिक्कतें हैं रास्तों में फिर भी उस नदियों की तरह बह पाओगी क्या, सुनो ना मेरे कुछ सवाल है जवाब दे पाओगी क्या। थैंक यू थैंक यू।